आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 87वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। 87वें लेक्चर में भी बेटा हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स का अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर। यहां से क्वेश्चन भी बनता है बेटा, देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तथा क्वार्टरनरी, चार स्ट्रक्चर दिए गए प्रोटीन के, स्ट्रक्चर दिए गए चार। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे जैसे बेटा हम विकसित होते गए अर्थात जैसे जैसे हमने प्रोटीन्स की स्टडी गहन कर दी गई, गहन की मतलब डीपली स्टडी की हमने प्रोटीन्स की, तो पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि बहुत ही सीधा स्ट्रक्चर, अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, फिर देखा हमने बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये इससे डेवलप्ड स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये तक हमने टर्शरी स्ट्रक्चर, फिर देखा बेटा हमने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, अर्थात प्रोटीन का प्राथमिक स्ट्रक्चर, प्रोटीन का द्वितीयक स्ट्रक्चर, प्रोटीन का तृतीयक स्ट्रक्चर, प्रोटीन का चतुष्कीय संरचना, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को ये समझ लीजिए बेटा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर, इसमें एमिनो अम्ल बिल्कुल लीनियर होते हैं, सीधी रेखा मन। आप सोचिए आप पतंग उड़ा रहे हैं बेटा, पतंग उड़ा रहे हैं आप, तो जो उसका मांझा होता है, जो रील होती है, धागा जो होता है, वो कैसा होता है? जब पतंग उड़ा रहे हैं आप तो पतंग से कनेक्ट है वो धागा आपके हाथ में, तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाता है कि एमिनो अम्ल इसमें बिल्कुल सीधी श्रृंखला में या सीधी संरचना में है। ठीक है, स्ट्रेट चेन में है। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, जब आप क्या करते हैं पतंग नीचे उतारते हैं धीरे धीरे, तो आपको देखा होगा धागा नीचे हेलिक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? हेलिक्स, मतलब वो रेखीय नहीं रहता, लीनियर नहीं रहता, मतलब चेन जो होती है वो स्ट्रेट नहीं रहती। अब उसमें घुमाव पड़ गए, यानी कि कुंडली पड़ गई। ठीक, तो वो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, और आगे गए हम, तो देखा होगा आपने जब हम ज्यादा रील एक जगह उतार देते हैं तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुत्थम गुत्था हो जाता है ना, बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हो जाता है, तो वो कंडीशन आएगी टर्शरी स्ट्रक्चर में। मतलब यहां पर अल्फा एमिनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट क्या डायरेक्शंस में है। ठीक, अच्छा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आप ये फील करें माझा उलझ गया है, माझा उलझ गया है। और उलझता कब है? जब एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल में बिल्कुल फंस जाए, जैसे आपने रील इकट्ठा किया, ठीक है, इकट्ठा किया मतलब धागा इकट्ठा किया, जब पतंग उतारते हैं तब कभी कभी क्या हो जाता है, उलझटे पड़ जाते हैं ना, उलझटे पड़ जाते हैं, तो उस समय उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा कि एमिनो अम्ल आपस में यही पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा कहां से किए को जा रहा है। तो वो सबसे डेवलप्ड स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर फोकस करना है क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का पढ़ेंगे हम, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला देख लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेडिंग डाल दो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी का स्ट्रक्चर का मतलब है एमिनो एसिड। अब बेलिन पढ़ा है आपने, ल्यूसीन पढ़ा है, तो हम यहां पर NH ये दिखा के एमिनो अम्ल दिखाने के बजाय हम पूरे नाम लिख रहे हैं एमिनो अम्लों के, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे देखिए आप
ये है वेल हिस्लू, वेल हिस ल्यू, वेलिन स्टीन ल्यूसीन, मैं नाम बता दूंगा पूरे पूरे। TH-R, ठीक, थोड़ा दूर हो गया, पास करूं। प्रो ग्लू ठीक है। इस तरह से यहां पे बेटा वेल हिस ल्यू ये देखिए, हो गया। यहां पर एमिनो अम्ल, ये बेरीन एक एमिनो अम्ल है, ये स्टीन। यहां पर सभी एमिनो अम्ल एक सीधी रेखा में है, स्ट्रेट लाइन है। सभी एमिनो एसिड बेटा क्या है? स्ट्रेट चेन में है, सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है। तो ये है प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये जो क्रम आता है वो जनरल हीमोग्लोबिन में आता है। हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन, ये जो आता है ये आता है सीकल सेल, सीकल सेल एनीमिया, एनीमिया। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं बेटा। लिखो, यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस, मतलब यह प्रक्रिया जिसमें अल्फा एमिनोम, जिसमें इन विच अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड, एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड, पॉली पेप्टाइड, एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड, एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा, चेन द्वारा द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा या अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, जुड़े रहते हैं। लिखो, यह प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यह प्रोटीन्स की प्राइमरी संरचना, प्राथमिक संरचना कहलाती है। हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने दिया था बेटा सबसे पहले? तो लिखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर मिटा दो बेटा थोड़ा।
फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर फ्रेडरिक सेंगर ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन इंसुलिन स्ट्रक्चर। फ्रेडरिक जो सेंगर थे बेटा, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन की संरचना ज्ञात की थी, 1953 में, ठीक है, 1953 में। लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीनों का प्राथमिक संरचना शोज दैट, दर्शाती है, नंबर एक क्या क्या दर्शाती है बेटा, शोज दैट कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि प्रोटीन बनी होती है, आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, आर मेड अप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो ये दर्शाता है कि सभी प्रोटीन्स जो होती है बेटा वो अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात क्या बताता है, दूसरी बात यह बताता है कि एमिनो अम्ल का क्रम, एमिनो अम्लों का क्रम, दी सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों का क्रम इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, अर्थात प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्रम, दी सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्लों का सीक्वेंस क्रम प्रोटीनों के एमिनो अम्लों का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्रम, क्रम क्या होता है बेटा, इज नॉट सिमिलर, एक जैसा नहीं होता है, इज नॉट सिमिलर, एक जैसा नहीं होता। यह भी बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समय। तीसरा यह बताता है कि प्रोटीन्स में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है, यह भी बताता है। तीसरी बात there is one or more than one polypeptide chains are present in protein molecule,
तीसरी बात यह बताता है कि बेटा प्रोटीन के अणुओं में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये था बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।